द्वारा अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश इसे अतिथि शिक्षकों के हित में अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने बाबत संदर्भ स्कूल शिक्षा मंत्री जी के पत्र क्रमांक 5070 ऑब्लिक स्कूल शिक्षा ऑब्लिक 2020 दिनांक 18/11/2022 के संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी एवं मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी द्वारा अतिथि शिक्षकों के हित में छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सरकार सहित अन्य राज्यों की भांति एवं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की भांति अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के संदर्भ में उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रस्ताव आपको भेजा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है उक्त प्रस्ताव को कैबिनेट में शामिल करते हुए मंजूरी देने की कृपा करें। समस्त अतिथि शिक्षक आपसे न्याय की उम्मीद के लिए आशान्वित हैं। भवदीय सुनील सिंह परिहार प्रांताध्यक्ष एवं समस्त अतिथि शिक्षक संगठन एवं समस्त अतिथि शिक्षक साथी मध्य प्रदेश जी द्वारा जो ज्ञापन हमें यहाँ पर सौंपा गया है इसको हम प्रक्रियाहीन तरीके से श्रीमान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री उनके कार्यालय तक समय गुजर गया है मामा जी, अब दया करिए और हम अतिथि शिक्षकों को नीति बनाते हुए नियमित करिए। ठीक मामा जी शैलेंद्र सक्सेना, थोड़ा जोर से। मैं शैलेंद्र सक्सेना मध्य प्रदेश भर के सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों के पक्ष में परम आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि आप हम सभी के लिए अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की भांति एक ठोस नीति बनाएं तथा हम सभी को भी नियमित करें। हम लोग परीक्षा देने भी तैयार हैं लेकिन हमारी भावना है वह परीक्षा केवल अतिथि शिक्षक साथियों के लिए होना चाहिए, हमको अन्य लोगों के साथ कॉम्पिटिशन में ना जोड़ा जाए। और आपकी संवेदनशीलता हम सभी लोग देखना चाहते हैं। आपने कई विभागों के अनेक साथियों के लिए कार्य किया है, हम सभी भांजे और भांजियों के लिए भी हम आपकी संवेदनशीलता को देखना चाहते हैं। यदि आप हम सभी का नियमितीकरण करते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एवं उसका परिवार आपके प्रति जिंदगी भर कृतज्ञ रहेगा। मूल समस्या क्या है आपकी? जी नमस्कार, मैं अनुपमा सूत्रकार महिला जिला अध्यक्ष जवाहर। हम लोगों की मूल समस्या ये है कि हम लोगों को 14-15 वर्ष हो गए हैं सरकारी विद्यालय में शिक्षा दी, आज तक हम लोगों के प्रति कोई नीति नहीं बनाई गई। आप ये बताइए, आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि हम लोगों में ऐसा क्या है, मतलब क्या हम लोगों को विद्यालय में शिक्षा नहीं देते? हम लोग बराबर शिक्षा देते हैं, समय देते हैं और हम लोग वो योग्यता भी रखते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन आज हम लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, हालांकि डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है। मामा जी आप फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? आज हम लोगों का नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मामा जी से यही विनती है और आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आज यहाँ कोई ना कोई प्रतिनिधि भेजें, हम लोगों को थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि हाँ मामा जी हमारे साथ हैं और हम लोगों का पद स्थायी किया जाए, हम लोगों का इतना शोषण नहीं किया जाए मामा जी, क्योंकि शोषण सहित हम लोगों का सब्र का बांध ना टूट जाए। बस आपसे यही विनती है, धन्यवाद। जी मैं भूपेंद्र सविता जिलाध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ जिला नवाड़ी। आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथी ये मांग करते हैं कि अन्य राज्यों की तरह नीति बनाते हुए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भी भविष्य सुरक्षित किया जाए। 15 वर्ष हो गए हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के बच्चे आज यहाँ पर आए हुए हैं, हम सड़कों पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि मैं आपकी ढाल भी बनूंगा, तलवार भी बनूंगा, आपके लिए सड़कों पर उतर आऊंगा, लेकिन आज अतिथि शिक्षक सड़कों पर वो विमान से घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कई बार कहा है नीति बनेगी, भविष्य सुरक्षित होगा, सैकड़ों अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। साहब मामा जी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, हम लोगों की विनती स्वीकार करें और हम लोगों का नीति बनाते हुए भविष्य सुरक्षित करने की कृपा करें। हमारी यही है, जो बच्चे बेचारे आए हैं परिवार सहित आए हैं यहाँ। कहाँ से आए हो बेटा?
धन्यवाद। नाना जी हमारे अतिथि शिक्षकों को क्या नाम है बेटा? देवांश। क्या बोलना चाहते हो? हमारे अतिथि शिक्षकों का पदस्थान कर दो। हमारे अतिथि शिक्षकों का पदस्थान कर दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। द्वारा अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश जैसे अतिथि शिक्षकों के हित में अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने बाबत संदर्भ स्कूल शिक्षा मंत्री जी के पत्र क्रमांक 5070/ma/school-shiksha/pra/2020 दिनांक 18/11/2022 के संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी एवं मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी द्वारा अतिथि शिक्षकों के हित में छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सरकार सहित अन्य राज्यों की भांति एवं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की भांति अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के संदर्भ में उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रस्ताव आपको भेजा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है उक्त प्रस्ताव को कैबिनेट में शामिल करते हुए मंजूरी देने की कृपा करें। समस्त अतिथि शिक्षक आपसे न्याय की उम्मीद के लिए आशान्वित हैं। भवदीय सुनील सिंह परिहार प्रांताध्यक्ष एवं समस्त अतिथि शिक्षक संगठन एवं समस्त अतिथि शिक्षक साथी मध्य प्रदेश जी द्वारा जो ज्ञापन हमें यहाँ पर सौंपा गया है इसको हम प्रक्रियाहीन तरीके से श्रीमान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री उनके कार्यालय तक पहुँचा जी चैनल हो उन तक अतिथि शिक्षक साथियों की पीड़ा पहुँचाए और निश्चित रूप से आक्रोशित जरूर है लेकिन विरोध में नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा हम लोग सरकार के विरोधी नहीं है, कर्मचारी सरकार का विरोधी नहीं होता, ऐसा सुनने में आया था। शिवराज जी को ये भ्रम हो गया था कि ये अतिथि शिक्षक तो कमलनाथ जी की सरकार की देन है। ऐसा नहीं है आदरणीय शिवराज जी, हम आपका भी उतना सम्मान करते हैं जितना कमलनाथ जी का करते हैं या जितना दिग्विजय सिंह जी का करते हैं, या भविष्य में अगर कोई नेता बनेगा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। हम लोगों को अपने विद्यालय से मतलब है, हम लोगों को अपने विद्यार्थियों से मतलब है। आज हमारे पुलिस प्रशासन के कई साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके परिवार में भी कहीं ना कहीं कोई भाई का बेटा, खुद का बेटा बेटी या घर का कोई सदस्य अतिथि शिक्षक व्यवस्था में होगा तथा मेहनत से अपना परिणाम दे रहा होगा। मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था, माननीय मामा जी ने कहा था कि जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग फिर ठगे गए, हमारे मानदेय को नहीं बढ़ाया गया। ऐसा कब तक चलेगा? हमने तो सुना था मामा जी रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, और आपका तो नाम ही शिवराज सिंह चौहान है। आप जब हुंकार भरते हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों में कंपन पैदा हो जाता है। हम आपकी वह हुंकार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के पक्ष में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सुनना चाहते हैं। यह मंच आपसे बार बार निवेदन करता है और मैंने अभी एक पंक्ति आपसे बोली थी, फिर दोहरा रहा हूं कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप हमारा नियमितीकरण करके तो देखिए, इन बहनों के हृदय से जो दुआएं निकलेंगी
वो आपका जीवन पर्यंत पद पर बनाए रखेंगे। और अगर गलती से इन बहनों के, इन भांजों के, इन भांजियों के दिल से बद्दुआ निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी मामा जी। तो उस गड़बड़ का सामना आपको ना करना पड़े, हम इस मंच के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। और शिक्षक को कमजोर मत समझिए। कोई बहन जी, मेरी प्यारी बहन, छोटी दीदी, मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कई यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, बहुत बिना में निवेदन है, अगर बोर हो रहे हैं तो मैं वापस बैठ जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें सुनकर जाइएगा ताकि आपको भी आगे बढ़ने में काम आएंगी। यहाँ पर मेरी उम्र का शायद कोई भी भाई नहीं होगा, एकाध भाई होगा। आई हैव कंप्लीटेड 54 इयर्स, 54 वर्ष का अतिथि शिक्षक आपके सामने खड़ा हुआ में हूँ। इससे पहले 5 वर्ष निःशुल्क शिक्षा मैंने दी है, उसको तो ये लोग रिकॉर्ड में ही नहीं रखते, कोई बात नहीं। पिछले 11 वर्षों से विद्यालय में अध्यापन करने के बाद भिन्न भिन्न विद्यालयों में हम लोग बहुत मजबूत हो गए, पीठ बहुत मजबूत हो गई। शंभू जी ने एक बार आंदोलन किया था, मेरा स्पीच हुआ, मैंने कहा शंभू भाई, पीसी भाई आ रहे हैं, पीसी शर्मा जी, उनकी गोदी में मत बैठ जाना। बोले हाँ सक्सेना जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पीसी भाई आए कहीं अलग है, कोई नहीं रोका। मेरे प्यारे सुनील भाई कहाँ, भूपेन भाई, कोई भी नेता आ जाए उसकी गोदी में बैठने का कोई हम लोगों को प्रयास नहीं करना। अरे नेता हमसे होता है, हम नेता से नहीं। और इस उपस्थिति को कम मत समझना, ये हमारी क्रांति बैठक है। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं आपका शुभ चिंतक हूं। तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित भाव से आपके बीच खड़ा हूं। आप आदि